गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में, आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में कोस्टल प्लेन्स के बारे में। इसका हिंदी है तटीय मैदान, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो कोस्ट मतलब होता क्या है? तो कोस्ट पहले देखना हम लोग को कि तट क्या होता है। तट आप देखेंगे क्या, ये हमारा लैंड है, ठीक है। और दूसरा वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वाटर हो जाएगा इधर, ठीक है। ये वाटर, ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अरेबियन सी हो गया, ये नीचे हमारा हिंद महासागर इंडियन ओशन हो गया। तो लैंड और वाटर के बीच जो ट्रांजिशन जोन है, बीच का क्षेत्र हो जाएगा होगा, वो क्या होगा, हमारा कोस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा लाइन दिख रहा है आपको, ये सारा क्या है, ये कोस्ट है हमारा। तो ये क्या हो गया, कोस्ट हो गया। तो कोस्ट क्या है हमारा, तो ये क्या है, ट्रांजिशन जोन बिटवीन लैंड एंड वाटर इज नोन एज कोस्ट, ठीक है। हिंदी में क्या हो जाएगा, जो जल एवं स्थल के बीच संक्रमणशील क्षेत्र को तट कहा जाता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया हमारा, तो पहला हमारा डेफिनेशन हो गया क्या, कोस्ट का हमने डेफिनेशन जान लिया। दूसरा हमने क्या जानना है, प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन्स क्या होता है, प्लेन्स जिसका कोई भी लैंड जिसका ढाल क्या हो या स्लोप लेस देन 5 डिग्री हो, क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए लैंड का वो लेस देन 5 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या होगा हमारा, ये हमारा प्लेन्स का पार्ट आएगा, ठीक है ना। 5 डिग्री ज्यादा होगा तो हमारा वो प्लेन नहीं माना जाता उसको जनरली। बाकी आपको समतल का मीनिंग पता ही है, प्लेन का मतलब मैदान का मतलब पता ही है, लगभग क्या होना चाहिए, ढाल ऊपर खा ना होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। ये वाला सारा तो उसकी हाइट लगभग क्या ना, सब एक जगह बराबर होना चाहिए, प्लेन का पार्ट हो गया। तो ये वाला प्लेन हो गया हमारा। अब प्लेन क्या होता है, प्लेन सिर्फ आपको जमीन में नहीं, पहाड़ के ऊपर भी प्लेन मिल सकता है। पहाड़ में भी जमीन क्या होगा, उसका ढाल 5 डिग्री से कम हो सकती है, 2 पहाड़ के बीच हो सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ये मान लीजिए पहाड़ है, तो यहाँ पे भी जो जमीन होगी, ये 2 पहाड़ है, 2 पहाड़ के बीच ये भी तो क्या होगा हमारा, मैदान होगा ना, प्लेन होगा, क्योंकि इसका भी ढाल हमारा क्या है, 5 डिग्री कम है। तो पहाड़ के ऊपर भी प्लेन हो सकता है। आप सिर्फ ये माइंड में ये मत रखना कि प्लेन सिर्फ समतल जो निचले इलाके में ही होता है, ये गलत बात है। पहाड़ में भी प्लेन हो सकता है, पठार के ऊपर भी क्या हो सकता है, प्लेट्यू के ऊपर भी क्या हो सकता है, प्लेन हो सकता है। तो प्लेन ध्यान देना, ये वाला मैं इस प्लेन के बारे में डिटेल से कभी बताऊंगा एक दिन, इतना अभी आप समझ लो। तो कोस्टल हो गया, प्लेन्स हो गया, हम लोग का कोस्टल प्लेन्स कौन सा हो गया। अब देखिए, ये हमारा था, हमने बताया था, ये हमारा है वेस्टर्न घाट, ये ब्लू कलर जो दिखाया हमें, और ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, ठीक है ना, ईस्टर्न घाट से, ठीक है। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का हमारा वेस्ट में जो है, और ईस्टर्न घाट का जो ईस्ट में है, ये जो रेड कलर दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ईस्टर्न कोस्ट, क्या होगा, सॉरी ईस्टर्न प्लेन मतलब पूर्वी मैदान, ये हो गया। इधर वाला क्या हो जाएगा, यही रेड वाला हमारा, ये हो जाएगा वेस्टर्न प्लेन मतलब पश्चिमी मैदान हो जाएगा। और ये जो जहां टच कर रहा है ना, ये वाला, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। ये जो लाइन होगा, ये लाइन क्या होगा हमारा, ईस्टर्न कोस्ट पूर्वी तट, ये क्या होगा, पश्चिमी तट। मेरे ख्याल से आपको अंतर समझ में आ गया, ये हो गया वेस्टर्न घाट हमारा, ये क्या हो गया, वेस्टर्न घाट्स, ये जो लाइन दिखा है, ठीक है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो गया, ईस्टर्न घाट्स, ये यहां से यहां तक हो गया। तो पहले हमारा क्या है, ये ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, फिर उसके बाद वेस्टर्न प्लेन, फिर वेस्टर्न कोस्ट। सबका सीक्वेंस मैं पूछूंगा किस समय, अब ध्यान देना, ये सारे सीक्वेंस पूछे जाते हैं इसमें। तो ये यहां तक, और इसके बाद वाला हम लोग को ये प्लेन है, इसमें और इसका कोस्ट हम लोग दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन में हमारा कोस्टल प्लेन तो आता ही है, साथ ही साथ क्या आता है हमारा, कोस्टल जो कोस्ट है वो भी आता है हमारा, दोनों पढ़ना है हम लोग, ठीक है।
इसी तरह मान लो दो कोस्ट का दो पार्ट हो गया, ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट हो गया। इस तरह वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का भी दो पार्ट हो गया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है ना। और इधर क्या हो गया, इधर वेस्टर्न प्लेन या कोस्टल प्लेन लिख सकते हैं इसको, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है ना। ये ईस्टर्न, ये यहां पे लिख दीजिए ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, ये दोनों पार्ट। तो अब दोनों समझ में आ गया। तो पहले आपका सीक्वेंस यदि आपको करना है तो कैसे करना होगा, पहले क्या होगा, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट आपको सीक्वेंस पूछा था एग्जाम में, ये ध्यान देना, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, वेस्टर्न प्लेन, वेस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा तीसरा वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग करना है इसका वाला, तो इधर वाला क्या होगा हमारा, हमारा हो जाएगा ईस्टर्न घाट, ठीक है। फिर भी क्या हो जाएगा हमारा, ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहां पे भी कोस्टल जोड़ सकते हैं आप, कोस्टल प्लेन, ये कोस्टल प्लेन्स। तीसरा क्या हो गया, ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान और पश्चिमी तट, इस तरह से क्या हो गया, पूर्वी घाट, पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी तट, सबका सीक्वेंस हो गया। और यदि आपको फिर यहां से बीच में ये वाला क्या हो गया, ये हमारा पेरेंसुला हो गया, ठीक है ना, ये हमारा पेरेंसुला प्लेट्यू हो गया, यहां से यहां तक, ये वाला पेरेंसुला प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, कोस्ट, वो सारा सीक्वेंस पूछा जाएगा, चाहे इधर से चाहे इधर आपको सीक्वेंस पूछा जाएगा। तो ये आप इसको नोट डाउन कर सकते, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसको, ठीक है, मैं मिटा दूंगा अभी। हो गया, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या जानना है, अगला जो हमारा पार्ट है, देखिए ये जो हमारा पार्ट है, अब इसमें कौन कौन सा आपको पूछा जाएगा, अभी तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी पूछा जाएगा, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान में कौन कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज उसमें आते हैं, ठीक है ना। तो पहला तो हो गया हमारा, यहां पर केरला आ जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होगा हमारा, केरला किसका पार्ट है हमारा, पूरा पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, और थोड़ा सा हमारा क्या पार्ट होगा इसका, थोड़ा बड़ा होगा यहां से, ये देखेंगे तो आप ऐसा ऐसा है, वेस्टर्न घाट का भी थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन अधिकतर पार्ट इसमें हमारा ये वाला। इसीलिए आप देखेंगे केरला में क्या होता है, बाढ़ हमेशा आएगी, आपको जानना पड़ेगा। जब तक आप लोकेशन नहीं समझेंगे आपको समझ में नहीं आया कि वहां बाढ़ क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ है, और इसके बाद यहां से क्या होता है, सारा पानी हमारा इधर आता है। जब यहाँ पानी आगे बता, ये वाला प्लेन इलाका है, प्लेन इलाका में जब ढाल कम हो जाएगी तो पानी क्या होता है, फैलने लगता है, और सारा जो लोड अपने साथ मिट्टी लाई, चिकनी मिट्टी लाई, वो क्या होगा, वो डिपॉजिट कर देती है इसी वाले इलाके में, और डिपॉजिट करने का कारण क्या होता है, वो रास्ता नदी इधर उधर फैलने लगती है, इसलिए केरला में बाढ़ आता है, बाढ़ आने की संभावना बहुत ज्यादा है, अभी कुछ कुछ दिन पहले ही आया था, ठीक है ना। आप ये वाला तो पहला स्टेट हो गया ये। फिर उसके बाद हमारा कौन सा है, कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक का थोड़ा सा पार्ट, यहाँ पे क्या होगा, कर्नाटक, कर्नाटक का थोड़ा पार्ट आएगा, पूरा नहीं है, ठीक है। फिर मान लीजिए इसके ऊपर हमारा गोवा है, फिर क्या है उसके ऊपर हमारा महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट है, तो गुजरात जो देखेंगे आप यहां से, ये वाला, ठीक है ना। तो ये सब देखने वाले, सारा मैप वाला काम है, आपको इसमें सारा चीज लिखना नहीं है। तो पहले कौन सा हो गया, मैप में आराम से देख सकते हैं, फिजिकल मैप में क्या लेना है, भौतिक मैप, भौतिक मानचित्र, इसमें केरला, फिर कर्नाटक, फिर क्या हो जाएगा, गोवा, यहाँ पे गोवा हो जाएगा हमारा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, और ये वाला इधर क्या पूरा वाला पार्ट हो गया, इधर हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का स्टेट्स आ गया, ठीक है। अब इसी में हमारा आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, दमन, ये सॉरी, हमारा यहाँ पे आ जाएगा दादरा व नगर हवेली, इस वाले इलाके में क्या होगा हमारा, दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली यहाँ पे आ जाएगा दोनों, ठीक है, तो वो इसका पार्ट होगा। फिर क्या होगा हमारा, यहाँ पे दीव होगा, यहाँ पे दमन होगा, ये दीव हो जाएगा, ये दीव, यहाँ पे दमन हो जाएगा, सारा वाला पार्ट होगा। अब कारण समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, इसको ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पहला लिख दीजिए यहां पे वेस्टर्न
कोस्टल प्लेन लाइज इन केरला, ताकि सब सारे एक साथ में लिखा दे रहा हूं ताकि सबको ताकि सारे आपको याद रहे। फिर क्या गया कर्नाटक, कर्नाटक के बाद गोवा, फिर महाराष्ट्र, गुजरात, और साथ ही आप उसका यूनियन टेरिटरीज भी लिख सकते हैं, दादरा नगर हवेली। फिर क्या हो जाएगा हमारा दमन एंड दीव, आपको पता होगा दमन दीव को एक साथ मर्ज कर दिया गया, ठीक है ना, ये दोनों, ठीक है। इतने सारी चीज हमारा क्या है, ये हमारा इस वाले इलाके में है, ठीक है। तो आप सिंपली इसको बोल सकते हैं हिंदी में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, कि पश्चिमी तटीय मैदान, हिंदी वाले नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, पश्चिमी तटीय मैदान केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली एवं दमन एंड दीव में विस्तारित है। ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट हो गया। आप इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला आपको क्या है, एक बहुत लॉजिकल, केरला में बाढ़ आने के पीछे कारण क्या है, आपको समझ में आ रहा है पहला। दूसरा पार्ट जो है ना, गुजरात का जो ये वाला पार्ट है, ये किनारे किनारे वाला, ये सारा प्लेन का पार्ट है हमारा। लेकिन सबसे जो फेमस है ना गुजरात, जो जिस इतिहास में गुजरात का जिस जिसे आपने नाम सुना होगा मालवा, इतिहास में बहुत ज्यादा नाम आया है मालवा का, ठीक है ना, और गुजरात के बारे में, गुजरात का सोमनाथ मंदिर ऐसा आपने सुना होगा। तो जो ये जो हमारा ये वाला इलाका ना, यहाँ से जो मैं डॉट डॉट करके दिखाया हूँ, ठीक है ना, ये वाला इलाका, ये हमारा ये वाला पार्ट क्या है हमारा, इसकी का वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ही पार्ट है, ठीक है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ही हमारा क्या है पार्ट है। और यहां से आप देखेंगे, यहां से नदी साबरमती नदी, माही नदी, फिर इधर से आएगी कौन सा हमारा नर्मदा नदी, फिर इधर से हमारा आएगा ताप्ती नदी। तो चार पांच नदियों का ये संगम है। तो बहुत ज्यादा ये क्या रहती है, अपने साथ चिकनी मिट्टी लाती है, गाद लाती है, सारा जमा कर देती है, इसलिए ये मिट्टी क्या है बहुत ही उपजाऊ है। और इसीलिए ये वाला इलाका क्या है, इसको गुजरात के नाम से जाना था, ये पूरा गुजरात का पार्ट था ही नहीं, गुजरात के नाम से पहले इस क्षेत्र को जाना था यहाँ वाला। इसीलिए क्या होता ना, इस पे हमेशा यहाँ पे एक सिटी का नाम है सूरत, अपने इतिहास में सूरत का नाम, सूरत क्यों फेमस है, क्योंकि सूरत उपजाऊ क्षेत्र में बसा हुआ है, सूरत नदी के मुहाने पे बसा हुआ है, इसलिए सूरत का आपको इतिहास समझ में आएगा। मैं साथ साथ आपको दोनों पता चलूंगा कैसे आपको एप्लीकेशन करना है ज्योग्राफी का इसमें, हिस्ट्री में। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये सूरत का, सूरत जो हो गया हमारे इस वाले इलाके में। तो ये वाला इलाका पहले गुजरात के नाम से जाना था, ये बाकी सब इधर रन ऑफ कच्छ का मतलब नहीं, काठियावाड़ का हमारा उतना मतलब नहीं, इधर से नहीं, ये वाला इलाका है, ठीक है, क्योंकि ये खेती पहले क्या होता था, खेती बाड़ी के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड को क्या था, लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये पूरा जमीन क्या था, उपजाऊ थी, क्योंकि नदियां इतनी सारी आती थी, अपने साथ मिट्टी लाती थी हर साल नया नया। और आपको मिलेगा इधर आपको मिलेगा मालवा, और थोड़ा आगे जाएंगे तो यूपी मिलेगा दिल्ली, ठीक है ना। तो कोई भी दिल्ली का जो शासक होता था, ठीक है ना, तो दिल्ली का जो शासक होता था उसको गुजरात पे कब्जा करने से पहले क्या होता था, मालवा पे कब्जा करना उनका क्या है बहुत जरूरी है। तब आप सुनेंगे, ठीक है ना, बहुत सारा आपने हिस्ट्री देखा होगा कि ये यहाँ पे मानसिंह को कभी बना दिया गया, मालवा का सूबेदार बना दिया गया, कभी गुजरात को बना दिया गया। आप ये सारी चीज समझेंगे कैसे, ये जब तक ये जानेंगे जो, क्योंकि ये एक ट्रेड रूट था, यहां से यहां तक क्या था ना, एक ट्रेड रूट था, सारा से विदेशों से माल आता था यहाँ पे सूरत में, सूरत से गुजरात में होते हुए क्या मालवा से दिल्ली। तो जो गुजरात पे यदि कोई व्यक्ति कब्जा करना चाहता है, गुजरात पे कंट्रोल करना चाहता है, तो उसको मालवा पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बीच में आता है, ठीक है, बफर जोन होता है, इसलिए आपको कब्जा करना जरूरी है। आपको एक लोकेशन का समझ में आएगा, प्लेन्स का क्या इंपॉर्टेंस है ना, ये समझ में आएगा। सारे ये जो तट वाला मैदान ना, सारे क्या खेती बाड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, सारा जमीन है हमारा तटीय मैदान। तो ये हमारा हो गया कौन सा, कोस्टल प्लेन। अब हम लोग आना है किसमें, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पूर्वी तटीय मैदान लाइज इन, ये पहला क्या होगा हमारा, यहां से आता तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा तमिलनाडु का पार्ट हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु के ऊपर हमारा यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद हमारा क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जाएंगे तो हमारा उड़ीसा आएगा, उड़ीसा के ऊपर क्या आएगा हमारा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, एंड वेस्ट बंगाल,
लेकिन और भी है यहाँ पे हमारा पुदुचेरी भी है, तो इसको भी लिख देंगे एंड कर देंगे यहाँ पे पुदुचेरी, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान देंगे, अभी तक ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि जो पुदुचेरी है या फिर कोई भी यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा जाएगा कि पुदुचेरी है या फिर दमन दीव या दादरा नगर हवेली, ये कौन से कोस्टल प्लेन में ये सिचुएटेड है, ऐसा तो कभी तक अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आप इसको कर सकते हैं। हिंदी में क्या होगा, पूर्वी तटीय मैदान आंध्र, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी राज्यों में विस्तृत है, ये पूरा आपको हो जाएगा रीजन। इसके आगे क्या होगा हमारा, ये पश्चिम बंगाल होगा, इधर से गंगा नदी आती है, ये डेल्टा बनता है, तो ये हमारा पूरा इलाका हो गया तटीय मैदान, ये रेड कलर क्या है, पूरा तटीय मैदान है। अब आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा अभी नदी आएगी, यहां से नदी आएगी, अभी मैं रिवर सिस्टम में जब आएंगे तब उसको बता देंगे। देखिए यहां से एक नदी आती है कावेरी नदी, तो कावेरी नदी का ये मुहाना है, तो ये जो पूरा इलाका है ना कावेरी नदी के कारण बना है, तो ये मिट्टी क्या होती है बहुत ही उपजाऊ है, इसीलिए यहाँ पे सारे जो चोलास डायनेस्टी चोल वंश का क्या शासन कहां पे था, ये कावेरी नदी के आसपास, कावेरी नदी के मुहाने के आसपास, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ होती थी। आपको इतिहास समझ में आ जाएगा, एक एक चीज का लोकेशन आपको याद होगा, बस आपको क्या होना चाहिए, आपको बस ज्योग्राफी सही से पढ़ लेना, एक बार ज्योग्राफी पढ़ने सारा समझ में आ जाएगा, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये कावेरी नदी का पार्ट। फिर देखेंगे आप कि इधर से हमारा गोदावरी नदी आती है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे क्या होगी गोदावरी नदी, गोदावरी, फिर यहाँ कृष्णा नदी, ये भी क्या होगा ना, ये दोनों मुहाना है, ये कृष्णा नदी गोदावरी का क्या है मुहाना है। तो ये जो इलाका था ये पल्लव डायनेस्टी का क्या था ना, वहां का उन लोगों का इलाका था, क्योंकि नदी नदी की जो मिट्टी होती चिकनी मिट्टी वो सारा जमा होता है, तो खेती बाड़ी के लायक होता था, और खेती बाड़ी क्या होता है उसमें धन होता था पूरा संसाधन, तो इसलिए ये वाला इलाका क्या था पल्लव डायनेस्टी का यहाँ पे रोल यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट था ये इलाका, से ये तमिलनाडु का ऊपरी वाला पार्ट, इसीलिए आपने पढ़ा होगा ना अभी एक सिटी के बारे में बहुत ज्यादा फेमस अभी न्यूज में आया हुआ था, चाइनीज प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आए थे, नाम था उसका ममल्लापुरम, तो ममल्लापुरम क्या ना उसी प्लेन का हमारा पार्ट है, गोदावरी कृष्णा का पार्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट है, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, अभी नया नया है लेटेस्ट में, तो ममल्लापुरम नाम से ही पता चलता है, मल्ल मल्ल मतलब मल्ल युद्ध, मतलब यहाँ जो शासक था जो पल्लव शासक था उसको, ठीक है ना, मल्ल युद्ध में बहुत ही एक्सपर्ट था वो, इसलिए उसका नाम ममल्लापुरम पड़ा, पुरम मतलब नगर होता है, ठीक है ना, इधर वाले पास में, तो ये ममल्लापुरम कहाँ है, चेन्नई से थोड़ा सा मतलब तमिलनाडु में है, मतलब आपको ये समझना है, तो ये ममल्लापुरम का हिस्ट्री हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि ममल्लापुरम का कौन से डायनेस्टी के साथ इसका रिलेशन है, आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ जाएगा भाई कि चाइना का हमारे कौन सा डायनेस्टी के साथ क्या ना हमारा उसका रिलेशन था, ठीक है, ट्रेड रिलेशन, तो ममल्लापुरम यहाँ पे इलाका कौन सा पल्लव डायनेस्टी। देखिए कोस्ट नहीं समझ में आएगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा क्यों वहां पे यहाँ पे यहीं पे क्यों राजा रहता था, इधर पठारी इलाका में क्यों नहीं, इधर वाले में कोई राजा नहीं हुआ, मैं बताऊंगा आपको कारण, ठीक है। अब देखिए इधर जो इसके आगे हमारा आ जाएगा महानदी, महानदी आएगी, महानदी का मुहाना हो जाएगा, महानदी में ऐसा कोई महानदी का ये जो इलाका था ना इसमें अपने नाम सुना होगा कलिंग का, जिसे सम्राट अशोक ने हराया था, उससे पहले किसी ने नहीं हरा पाया था, ठीक है ना, तो ये कलिंग कलिंग वाला इलाका ये क्या था महानदी का चारों ओर आसपास, आपको एकदम इतना लाइक एक लॉजिक का हर चीज का क्या है ना आपको हिस्ट्री का लोकेशन याद हो जाएगा एक एक चीज, यदि आप बेहतरीन इस तरह से पढ़ते हो तो, ये वाला इलाका नदी महानदी हो गया, एक गोदावरी कृष्णा हो गया, ठीक है ना, ये कौन सा हो गया गोदावरी, ठीक है, ये कृष्णा हो गया, ये क्या हो गया कावेरी हो गया, तो कावेरी में कौन सा हो गया हमारा, हमारा हो गया चोलास चोल वंश, इसमें कौन सा हो गया पल्लवास पल्लव डायनेस्टी, इसमें कौन हो गया, मैं खुद ही भूल गया क्या नाम है उसका, अभी तो बताया इसका कलिंग, कलिंग ये वहां किसका था कलिंग का इलाका, कलिंग का, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा बंगाल आ गया, बंगाल में आपने नाम सुना होगा, बंगाल का जो स्थापना किया उसका नाम था कौन आपको याद होगा, मुर्शिद कुली खां, नाम मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की स्थापना किया था, आपको ये जीके क्वेश्चन है। तो मुर्शिद कुली खां जो जब राजधानी जहां बनाया ना वो उसका पूरा इलाका था, तो मुर्शिद कुली खां वाला जो ऐसे ही आप देखेंगे कि हुगली नदी दो भागों में बढ़ती है ऐसे, सॉरी यहां से ये दो भागों में बढ़ती है, तो इस वाले इलाके का नाम क्या है मुर्शिदाबाद, इसका नाम क्या है मुर्शिदाबाद, बीच में है दो नदी के हमारा क्या है दो नदी के बीच पोर्शन, ऐसे इधर से गंगा नदी आती है, गंगा नदी एक तरफ हो गया हुगली, हुगली डिवाइड हो जाती है,
दूसरा वाला ग्राम होता है पद्मानाम हो जाता है। तो इस जगह में क्या है, मुर्शिदाबाद है। आप लोकेशन में कभी जाके चेक करो, आप गूगल में लोकेशन में जाके चेक करो, पता चल जाएगा आपको मुर्शिदाबाद। तो ये क्या है ना, हर साल बाढ़ लाती है, ये चिकनी मिट्टी क्षेत्र में है, ये बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए ये क्या होता है आबाद है। तो उसने मुर्शिद प्लस आबाद क्या हो गया, मुर्शिदाबाद। उसने अपनी राजधानी का नाम क्या रखा, मुर्शिदाबाद रखा। आपको समझ में आएगा मुर्शिदाबाद किसकी राजधानी थी, वो हमारा बंगाल के शासक का, और नाम बताया मुर्शिद कुली खान का मैंने बताया, ये हमारा हो गया। अब फिर उसके बाद अपने इतिहास पढ़ा होगा ये सारी चीज। फिर ये वाला इलाका क्या, बंगाल का हमारा सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये भी क्या है, मुहाना होने के कारण क्या है, ये भी बहुत उपजाऊपन है, इसीलिए इतना उपजाऊपन है, खेती बाड़ी जबरदस्त होती है इलाके में, खेती बाड़ी धान की खेती तो यहाँ जबरदस्त होती है। वहां के लोगों को क्या होता है ना, जो धान की जो बीज हम लोग लगाते हैं उसको फिर उठाने के बाद फिर दूसरी जगह गाड़ते हैं फिर उसको, लेकिन यहाँ क्या होता है, सिर्फ अंगुली डाल के क्या होता है ना, अंगुली डाल दी है मिट्टी में और उसको क्या होता है, धान का जो बीज डाल देते हैं बस उतना ही काफी है। यहाँ के लोग तीन 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 बार मतलब साल में तीन बार धान की खेती करते हैं, सोचिए उसका मिट्टी के उपजापन क्या होगी, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए और जो उसमें तीन वेराइटी है, ओस अमन बोरा, ये या बोरो बोल सकते हैं उसको, ओस अमन बोरो, ये तीन जो हमारा धान की वेराइटी बहुत ही फेमस है, बार बार पूछा जाता है, आप नोट कर सकते हैं, ओस अमन बोरो, ये बंगाल का हो गया हमारा, ठीक है ना, ओस अमन बोरो ये वाला पार्ट हो गया। आप हर चीज को नोट करते जाएं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं लिखा नहीं सकता हूं, आप उसको नोट करें, तो आप ओस अमन और बोरो हो गया, ये तीन चीजें हो गया। इसलिए क्या है, इतनी ज्यादा उपजा होने के कारण क्या, यहाँ पे तीन तीन बार खेती होती है, इसलिए बंगाल में क्या है ना, हर चीज चावल से बनता है, चावल का दो तीन टाइम चावल खाया जाता है, चावल से क्या होता है, मुढ़ी बनता है, और चिवड़ा के लिए जो बिटेन राइस होता है आपको पता होगा, पोहा में जो इस्तेमाल किया जाता है, तो बिटेन राइस भी क्या है हमारा, वो भी उसमें मामले में सबसे ज्यादा नंबर वन है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंस है हमारा, ये प्लेन का पार्ट है, ये हमारा क्या है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, इसका कोस्टल प्लेन का, कोस्टल प्लेन्स हो गया। अब हम लोग पढ़ना है इसमें इंडियन कोस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडियन कोस्ट, भारतीय तट, और इंडियन का भारतीय तट कहाँ है हमारा, गुजरात से लेके कन्याकुमारी से लेके ये हो गया यहां से यहां तक, फिर यहां से लेके हमारा पश्चिम बंगाल तक, ये क्या हो गया हमारा, ईस्टर्न कोस्ट हो गया, पूर्वी तट, ये क्या हो गया हमारा, वेस्टर्न कोस्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा दो नाम हो गया। अब वेस्टर्न कोस्ट को भी अलग अलग क्या है, उसके रीजनल नाम है, उसके क्षेत्रीय नाम है, उन सारे नाम को हम लोग जानना है। जैसे यहां तक ये वाला इलाका क्या हमारा, रन ऑफ कच्छ है, क्या है, रन ऑफ कच्छ, ये वाला हमारा इलाका क्या है, रन ऑफ कच्छ है, यहां से यहां तक, ये क्या है, रन ऑफ कच्छ हमारा थार डेजर्ट का पार्ट है, थार रेगिस्तान का पार्ट है, ये भी क्या है, डेजर्ट का हिस्सा है। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, कच्छ से नाम से पता चल रहा है आपको, कच्छी जनजाति, और यहाँ पे समुद्र किनारा होने के कारण क्या है, यहाँ पे ये नमक बहुत ज्यादा बनाते हैं, ये जनजाति क्या है ना, नमक ज्यादा बनाते हैं, तो नमक ज्यादा बनाने के कारण क्या होता है, उनके पैरों में क्या एक तरह से घाव हो जाते हैं पूरा, ठीक है ना, नमक के कारण, तो ये वो एक तरह से बीमारी होता है, वो इसके इनके पैरों में पाया जाता है, कच्छी जनजाति के बारे में, ये वाला इलाका हो गया। इसीलिए क्या होता है हमारा, ये जो इलाका है यहां से लेके यहां तक, इसका नाम क्या है हमारा, कच्छ कोस्ट, क्या नाम हो गया, कच्छ कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट, अच्छा पहले तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी पहले हेडिंग देता था मैं, इसका दो पार्ट है, वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी कोस्ट का हमारा, या पश्चिमी भाग, पश्चिमी तट का, तो इसको अलग अलग नाम से जाना था। पहला क्या हो गया हमारा, रन ऑफ कच्छ कारण, ठीक है ना, ये कच्छ मतलब क्या होता है, कच्छ मतलब होता है दलदली इलाका हमारा, होता है दलदली इलाका हमारा, तो ये आपको दलदली इलाका है पूरा। यहाँ पे तैरने वाले ऊंट पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये बहुत यूपीएससी में पूछा गया था, तैरने वाले ऊंट कहाँ पाए जाते हैं हमारे, कच्छ में दो चार, यहाँ पे खादीर नाम का जो आइलैंड है, दो तीन आइलैंड आप फिजिकल मैप में देखेंगे गुजरात का, तो आपको गुजरात का बड़ा वाला मैप में तो आपको क्या मिलेगा, ये तीन आइलैंड मिलेगा, उसी आइलैंड में क्या पाए जाते हैं, तैरने वाले ऊंट पाए जाते हैं। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया हमारा, रन ऑफ कच्छ हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। कच्छ का भूकंप भी आपने सुना होगा, ये वाला, और साथ ही साथ क्या है, बहुत सारे फैक्ट्स में बताते जाता हूँ, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। कच्छ क्या है हमारा,
सेकेंड थर्ड लार्जेस्ट क्या है हमारा, वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है ना। ये हमारा भारत का तीसरा सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है यहां से यहां तक, ठीक। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अलग नाम है। ये हो गया हमारा क्या, कच्छ कोस्ट। यहां से यहां हो गया काठियावाड़ कोस्ट। क्यों काठियावाड़ कोस्ट बोला जाता है, देखिए ये वाला जो रीजन है ना, इसका नाम है सौराष्ट्र। क्या नाम है? सौराष्ट्र, सौराष्ट्र है। या अपने रणजी ट्रॉफी में क्रिकेट टीम का नाम होगा सौराष्ट्र, वो इस वाले इलाके का है, ठीक है। तो सौराष्ट्र, इसी का दूसरा नाम क्या है, काठियावाड़, काठियावाड़ पेनिनसुला, पेनिनसुला यहां पर लिख देता हूं, काठियावाड़ पेनिनसुला, काठियावाड़ प्रायद्वीप। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया हमारा, काठियावाड़, काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये दोनों, ये दोनों कहां हो गया हमारा, गुजरात में हो गया। यहां से दो पार्ट हो गया। तो वेस्टर्न कोस्ट का दो लोकल नाम है, क्या हो गया काठियावाड़, ये कच्छ कोस्ट, ये क्या हो गया हमारा काठियावाड़ कोस्ट। और आपको पता होगा ये जो इलाका है ना, ये यहां पर जो ये पानी दिख रहा है आपको ना, ये वाटर का पार्ट है हमारा, इसका नाम क्या है, गल्फ ऑफ खंभात। क्या नाम है? गल्फ ऑफ खंभात, खंभात। या इसी का दूसरा नाम है गल्फ ऑफ बिस्के, सॉरी गल्फ ऑफ केम्बे, बिस्के नहीं केम्बे, केम्बे की खाड़ी हो गया। और यहां पे जो पानी है, ये वाला पानी आप देखेंगे तो इसका, इसका क्या नाम है, इसका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ मतलब कच्छ की खाड़ी हो जाएगा, ठीक। अब गल्फ क्या होता है, गल्फ क्या होता है, ऐसा वाटर, वाटर बॉडी, ठीक है ना, जो लगभग चारों ओर से क्या है, मतलब लैंड से घिरा हुआ, उसको क्या बोला जाता है, गल्फ बोला जाता है। और एक हम लोग पढ़ते हैं बे, तो गल्फ और बे दोनों का मतलब हिंदी में तो खाड़ी होता है, लेकिन वो गलत है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस है, गल्फ और बे अंतर होता है, लेकिन हिंदी में दोनों के लिए खाड़ी लगाते हैं, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी, सब में खाड़ी लगाते हैं, तो अलग है। तो इंग्लिश में गड़बड़ है आपको, सॉरी हिंदी में गड़बड़ है, इंग्लिश वाला आपको रखना है। तो गल्फ मतलब ऐसा वाटर जो लगभग चारों ओर पानी से घिरा होना चाहिए, लगभग बोला मैंने, चार तरफ से नहीं, ठीक है ना, चार तरफ से हो जाएगा तो वो तो पूरा लॉक हो जाएगा, फिर वो लेक हो जाएगा, फिर चार तरफ से पूरा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो यहां से तो रन ऑफ कच्छ के बीच में कौन है हमारा, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ठीक है ना, उसके बाद काठियावाड़ पेनिनसुला, फिर क्या है, गल्फ ऑफ खंभात है, ये वाला पार्ट है हमारा। तो यहां से इसका नाम क्या हो गया, काठियावाड़ पेनिनसुला हो गया। फिर यहां से हमारा मुंबई है, नीचे महाराष्ट्र में मुंबई, क्या है, मुंबई, मुंबई से लेके नीचे हमारा कहां तक, गोवा तक, गोवा है हमारा, इसका नाम है, गोवा में एक लैंग्वेज बोला जाता है कोंकण, तो इसलिए यहां से क्या नाम है इसका, कोंकण कोस्ट हो गया। तीसरा क्या होगा हमारा, कोंकण कोस्ट हो जाएगा। कोंकण कोस्ट कहां से, मुंबई टू, मुंबई टू गोवा, ठीक है। अब यहां से फिर गोवा से लेके हमारा फिर कहां हो गया, कन्याकुमारी, इसका नाम क्या होता है, हमारा मालाबार, मालाबार तट, तो क्या हो गया, मालाबार कोस्ट। ये कहां से हो गया, गोवा टू, गोवा टू कन्याकुमारी, ये वाला हो गया। ये तो पूरा हो गया हमारा वेस्टर्न कोस्ट का लोकल नाम। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजनल नाम है, जैसे ये काठियावाड़ कोस्ट है हमारा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे पोरबंदर है, गांधी जी का जन्म स्थान कहां पे, पोरबंदर, इसलिए यहां से यहां तक क्या हो गया नाम इसका, पोरबंदर कोस्ट। और यहां से इधर क्या हो गया, गोहिलोर कोस्ट। आप यहां से यहां तक ये क्या हो गया, यहां से यहां तक पोरबंदर कोस्ट, यहां से यहां तक क्या हो गया, गोहिलोर कोस्ट। लेकिन उतना आप लोग जाना नहीं है, ठीक है, ये वाला सारी चीजें। तो इतना हमारा क्या हो गया, वेस्टर्न कोस्ट का डिटेल हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है। हो गया होगा। अब हम लोग को आ जाना है किसमें, दूसरा जो पार्ट होगा हमारा, हमारा दूसरा पार्ट है ईस्टर्न कोस्ट है, पूर्वी तट,
पूर्वी तट, पूर्वी तट में हमारा कौन सा आएगा? पूर्वी तट में देखना आपको, ये आंध्र प्रदेश से लेके हमारा कन्याकुमारी तक, ये एक भागों बांटा गया। और दूसरा हमारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल से लेके आंध्र प्रदेश तक, दोनों के बीच वाला। तो यहां से यहां ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है ना, और यहां वाला पार्ट, इसका जो इसका नाम क्या है? नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार। इसका नाम क्या है हमारा? कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट, दो पार्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट इज नोन एज नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, पहला हो गया। मतलब जो पूर्वी तट का जो उत्तरी भाग है उसे नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना था। सरकार का हिंदी में ऐसा ही होगा, उत्तरी सरकार, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं आप, उत्तरी सरकार। हिंदी में क्या होगा? जो पूर्वी तट का हमारा, पूर्वी तट का उत्तरी भाग को नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। दूसरा पार्ट क्या होगा? सदर्न पार्ट, सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज नोन एज कोरोमंडल। हिंदी में क्या होगा? कोरोमंडल। हिंदी में होगा पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। बस दो ही पार्ट है इसका, इसका ज्यादा सब डिवीजन नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारा है, जैसे उड़ीसा में इसको बोला जाता है, आपको पढ़ा होगा ना, जनगण मन में उत्कल आता है, उत्कल उड़ीसा को बोला जाता है, यहां से उड़ीसा वाला क्या हो गया? उत्कल कोस्ट। आंध्र प्रदेश में क्या हो गया? आंध्रा कोस्ट। बंगाल में बंगाल कोस्ट। तमिलनाडु में तमिलनाडु कोस्ट। वो लोकल है, आपको वो जानना नहीं है, ठीक है। तो इतने सारे आपको चीज जानना है। ये कोस्ट का अलग अलग नाम है, पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट का है। जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में मालाबार कोस्ट किसमें है, ईस्टर्न में या वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट है, तो आपको बताना पड़ेगा ये सारी चीजें। या फिर उसको सिक्वेंस से अरेंज करने के लिए आ जा सकता है, ठीक है ना, कोस्ट को अरेंज करना है उसका। ये अलग अलग हमारा ये इतना सारा पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को इसमें कुछ और चीजें देखना है, कोस्ट में क्या क्या हो जाएगा बाकी है। अभी इसमें थोड़ी और चीजें बाकी है, जैसे पहले लिखना है हम लोगों को इसमें कोस्टल स्टेट्स, कोस्टल स्टेट्स, तटीय राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। पहला हमारा क्या हो गया? गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, एमएच मतलब महाराष्ट्र। फिर उसके बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटक के बाद यहाँ पे क्या होगा हमारा? केरला, केरला के बाद नीचे होगा हमारा यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु, फिर क्या होगा तमिलनाडु के ऊपर? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर हमारा वेस्ट बंगाल। कितने स्टेट हो गए? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, टोटल नाइन स्टेट्स हो गए। तो नाइन क्या हो गया हमारे? कोस्टल स्टेट्स हो गए, तटीय राज्य हो गया, ठीक है। लेकिन कोस्टल आपको पूछा गया कि कोस्टल यूटीज, कोस्टल यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना, तटीय हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन सा होगा? दमन एंड दीव, ये एक हो गया हमारा पहला, ठीक है, दमन एंड दीव हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा? पौंडीचेरी। ये तीन क्या हो जाएगा हमारा? कोस्टल हमारे यूनियन टेरिटरीज हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इसके बारे में, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। चलिए अब हम लोग जानना कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स है, जैसे टोटल टोटल कोस्टल लेंथ, टोटल कोस्टल लेंथ कितना है भारत की, ठीक है ना,
75.16 किलोमीटर। इसकी ये क्या होगा पूरा यहाँ से लेके मतलब गुजरात से होते हुए इधर से होते हुए यहाँ से लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और हमारे जो दो आइलैंड है कौन सा अंडमान निकोबार और नीचे मैं बताऊंगा लक्षद्वीप, इधर लक्षद्वीप होगा इसका डिस्टेंस इतना होगा और नीचे वो क्या होगा हमारा अंडमान निकोबार इसका जो कोस्ट होगा सबको मिला दे तो कितना आएगा हमारा 75.1066 हो जाएगा। ठीक है ये हमारा क्या हो गया कोस्टल लेंथ हो गया हमारा। ठीक है अब इसमें मान लीजिए पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन स्टेट, लंबी तटरेखा वाला कोस्टल लाइन स्टेट, लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा तो हमारा गुजरात हो जाएगा। फिर पूछेगा शॉर्टेस्ट सर छोटा कोस्टल लाइन स्टेट तो कौन हो जाएगा हमारा आपको पता होगा गोवा होगा। ठीक अब मान लो अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो कौन हो जाएगा अरेंज करना होगा तो जैसे मान लो अरेंज करना होगा तो ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा सबसे पहले यदि हो गया कौन सा गुजरात हो जाएगा गुजरात का कोस्ट सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना फिर क्या होगा हमारा आंध्र प्रदेश हो गया फिर क्या होगा तमिलनाडु हो जाएगा फिर हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा ऐसे करते हुए लास्ट में सबसे लास्ट में क्या होगा गोवा होगा। हमको ये वाला सीक्वेंस याद रखना है आपको इतना याद करने की जरूरत ही नहीं एक दो याद रखना है ठीक ना गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और महाराष्ट्र इतनी सारी चीजें बाकी सारे उनके कोस्ट का कोई मतलब नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया टोटल कोस्टल लेंथ हो गया। तो इतनी सारी चीज जानना है आपको हर एक चीज का। और एक और चीज है वो है जो है बताता हूं आपको जिसे कोस्ट में हमारा क्या है पुद्दुचेरी है पुद्दुचेरी आप उसको लिख सकते हैं पौंडीचेरी पौंडीचेरी बोला था। तो पौंडीचेरी को चार नाम से जाना जाता है पौंडीचेरी चार जगह में है। ठीक है ना जैसे एक तो हमारा आपको मिलेगा यहाँ पे आप मैप के लोकेशन में देखेंगे तो ये हमारा कौन सा हो गया तमिलनाडु ये केरला केरला में जगह का नाम है माहे तो यहाँ पे है। ठीक है ना तो कुछ इलाका यहाँ का माहे तो माहे कहाँ पे है केरला। दूसरा हमारा पार्ट हो जाएगा इधर हो जाएगा आपको दो इधर एक आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका होगा इसका नाम है यनम क्या नाम है यनम यनम कहां पे है आंध्रा। ठीक है तीसरा क्या हो गया हमारा कराईकल कराईकल और चौथा क्या हमारा पुद्दुचेरी ये यहां पे आपको मिलेगा। ठीक है ना कराईकल और पुद्दुचेरी ठीक है ये वाला इलाका तो ये एक दो तीन चार ये चारों जगह मिलके क्या बनता है हमारा पौंडीचेरी बनता है। ये दोनों कहां पे हमारा तमिलनाडु। ठीक है आपको ये समझ में आएगा कोई दिक्कत है यहां तक ये कोस्ट का ही पार्ट है इतने सारे चीजें हमारा आता है क्या कोस्ट कोस्ट का हमारा पार्ट है। ठीक है तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना वीडियो ज्यादा लंबी लंबी हो जाएगी तो हमारा ये कोस्ट का कुछ पार्ट है इसके अलावा जो जो भी होगा मैं सारा वो बताऊंगा आपको। ठीक है इसलिए ये वाला सारा चीज ठीक है आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को ठीक है शेयर करें सब्सक्राइब करें ठीक है ना ताकि और भी लोगों को क्या है इस चैनल का फायदा पहुंचे। ठीक है और कोई भी दिक्कत है कोई भी डाउट हो आपको ठीक है ना कमेंट में तुरंत कमेंट कर दे या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर देता हूं मैं उसमें आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ये सारी चीजें दो चार दिन से वीडियो नहीं आ रही थी हमारे घर में थोड़ी लाइट की समस्या है। ठीक है ना अभी गांव में हूं फिलहाल इसलिए ठीक है ये वाला पार्ट हो गया थैंक यू।